दुनिया में सात का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है सात का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है सात आसमान है सात बरेम है सात समंदर हैं सात अजूबे हैं जिसमें से एक शायद मैं भी हूँ, लेकिन खातुन हजरात सात का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एच के सात सीजन हो चुके हम समझ रहे थे भाई अब यह सात तक रहेगा मगर एच अब सीजन एट पर पहुंच चुका है स्पेशल ओकेजन है और जियो ने इस स्पेशल ओकेजन पर एक स्पेशल शो भी हारना मनाए के नाम से किया और हद ये कर दी कि पाकिस्तान के एक मुमताज़ होस्ट एक अजीम होस्ट तो उस शो का भी होस्ट बना दिया बात कर रहा हूं खावीन आजाद ताबिश हाशमी की जो मैं हूं और इस शो को होस्ट करूं अकेले नहीं करूंगा मेरे साथ मौजूद होगा एक खूबसूरत पैनल एक एक करके पैनल का इंट्रोडक्शन कराऊंगा मेरे साथ मौजूद है एक पाकिस्तान के एक ऐसे ऑलराउंडर जिन्होंने कई मैचेस हमें जितवाए जिन्होंने क्रिकेट में छोटे बड़े की तमीज़ खत्म कर दी हर बड़े बैट्समैन की विकेट ले ली हर बड़े बॉलर को चौके लगा दिए जो तरीका होता है बहुत बुरी बात मेरे साथ मौजूद है एक आदमी चलाक ऑलराउंडर चलाक और ऐसे बैट्समैन ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने हर क्रिकेटर को चटा दी खाक मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रजाकुम वाले चलाक कौन है ऑलराउंडर चलाक अच्छा ऑल ऑलराउंडर चलाक कभी कौन बॉल अंदर आनी है कोई बाहर जानी है कहां फील्डिंग प्लेसमेंट बहुत चलाक मेरे साथ दूसरे हाथ पे मौजूद है इनको देखकर मुझे याद आ जाती है मीम क्योंकि इनका नाम मीम से स्टार्ट होता है टेक्निकल बात ठीक है बहुत ही कमर से में पाकिस्तान की टेलीविजन इंडस्ट्री पर नाम बनाया मैंने इन्होंने भी बनाया <laughs> और दोस्त है मेरी अजीज करती है मुझे मरियम <laughs> मैं आपसे बातचीत का आगाज नहीं करूंगा लजाक से करूंगा और फिर आप तक आऊंगा भाई अब आजकल देखा होगा आपने रिसेंटली लड़के शादियों पे उतर आए हारिस रूफ की शादी हो गई शादाब की शादी हो गई आ, शान मसूद की शादी हो गई और अभी किसकी शादी हुई है लेटेस्ट और एक लड़के ने और शादी शाहीन, शाहीन ने भी शादी की शादियों का सीजन है आप भी एक एक्सपीरियंस शादीशुदा आदमी है आप इन नए लड़कों को क्या टिप देना चाहेंगे कामयाब शादी के लिए एक्सपीरियंस किस में शादी आपने पुरानी शादी हुई है पुरानी शादी की हुई है टिप यही है कि बस ये जो जिम्मेदारी होती है और फॉर्मेलिटी पे ना जाए फॉर्मेलिटी पे ना फॉर्मेलिटी पे ना जाए और रिलेशन को संभालने की जरूरत नहीं होती एक रिलेशन नहीं नहीं रिलेशन संभला होता है ऑलरेडी वाह फॉर्मेलिटी पे जाएंगे तो लाइफ जो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है वाह आप ये कह हैं शादी शादी जो है वो एक ऑलरेडी एक संभला हुआ रिलेशनशिप है इसको आप बिगाड़ सकते हैं अपनी गलतियों से जी जी ये टिप है आप बड़ा मुश्किल होता है एक आप पीक पे हों और आप पूरे वर्ल्ड में स्टार हों शादी हो जाना उसके बाद फिर मैनेज करना तो इजी नहीं है ईजी मुश्किल क्रिकेटर की जिंदगी में मरीम आप भी शादीशुदा हैं ये है लड़कों ने आहें भरी इस बात पे आप क्या टिप देना चाहेंगी इन क्रिकेटर्स की वाइफ्स को कि इतने बिजी रहते हैं तो वो किस तरह से अपने आप को इंगेज रखें किस तरह से अपने हस्बैंड को कम मिस किया करें क्या होगा आप भी अपना काम करे उनको भी अपना काम काम से काम रखें हाँ हाँ इस बात इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि वो घर नहीं आ रहे है वो बिजी हैं काम कर रहे हैं यार करने दो काम वाह 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 अच्छा मरियम ये बताएं कैसी हैं आप ठीक बस कैसे मैं बहुत अच्छा प्यारा सब <coughs> जुड़वा हमारे साथ हाँ भाई हमारे साथ जो लड़के बैठे हुए सामने नजर आ रहे हैं क्रिकेटर जुड़वा लड़के हैं भाई हैं है ट्विनटिकल ट्विन देख रहे हैं आप एक पीला कुर्ता पहना हुआ एक ऑरेंज कुर्ता पहना हुआ है आपने देखे वो चूजे हैं सारे एक से लग रहे आतीसियों में इतना फासला रखा हुआ पैदाइश में इतना फासला नहीं दोनों कुर्सियों <laughs> में इतना गैप रखा हुआ बहुत भाई वेलकम टू तो द शो कैसे आप सब ठीक है अच्छा क्रिकेटिंग नॉलेज आपकी मरियम क्योंकि आप हमारे साथ अब्दुल रजाक मौजूद हैं क्रिकेटिंग, क्रिकेटिंग लेजेंड हैं हम ये चाह रहे थे कि भाई इस शो से एक और एक आउटकम ये निकले कि हम क्रिकेटिंग की दुनिया को एक नया एनालिस्ट भी दें तो आज हम आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज चेक करेंगे आज जैसे होते हैं 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 जिम जाते हैं, पहले वजन चेक करते हैं, आज क्या है और फिर तीस दिन बाद देखेंगे क्या है तो हम पी के एंड पे चेक करेंगे कि फिर आप कितनी नॉलेजेबल हो चुकी हैं तो मेरा कुछ सवाल होंगे ट्रिविया क्रिकेट बहुत आसान है ये आपकी हेल्प नहीं कर सकते आप रजाक भाई से हिंट्स ले सकते आपने सीख लिए मैंने सीख लिया मुझे सब आता है सवाल पहला मैच पहला सवाल टेस्ट मैच कितने दिन का होता है एक महीने का एक महीने का होता है बताया ना आपको पता ही नहीं एक महीने एक महीने का ये एक महीने का होता है टेस्ट मैच इसमें तीन चार ती, सीरीज ती, 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 हो जाती है पांच दिन का होता है अगला सवाल विकेट के ऊपर जो दो छोटी डंडियां पड़ी होती है एक मिनट इसकी कोई मार्किंग तो नहीं हो रही नहीं नहीं हो रही सिर्फ ये जज हो रही है पहला दिन टीवी पे देखने वाले लोग जज कर रहे हैं अगले साल आप ये होस्ट कर सकती है मुझे नहीं करना ये काम नहीं करना सवाल तो सुन ले विकेट के ऊपर दो छोटी डंडियां जो पड़ी होती हैं उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में ऑप्शन जिप बेल्स नट्स या स्टंप्स क्या बेल्स बेल्स वेरी गुड क्या किस क्रिकेटर को प्रोफेसर भी कहा जाता है ए अब्दुल रजाख बी मोहम्मद हफीज बी या सी याह हुसैनी या डी इंतखाब आलम मोहम्मद हफीज वेरी नाइस हु इज दिस क्रिकेटर हम पिक्चर दिखाएंगे आपको एक कौन शाहिद शाहिद दूसरी तस्वीर दिखाइएगा सचिन सचिन तेंदुलकर तीसरी तस्वीर दिखाइएगा बहुत 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 ब्रूस ब्रूस चाइना का एक फाइटर था ना ब्रूस उसके छोटे भाई हैं ये पता नहीं वो फाइटर का नाम क्या था ब्रूसली ली हाँ ब्रूस हाँ, हाँ इनका लास्ट नेम है ली आप बता दें ब्रैडली ब्रैडली गलत बताया

विजय शेखावत नाम है ये इनके क्या नाम विजय शेखावत नाम था okay. एक एक मूवी बनी थी विराट कोहली का उन्होंने शायद रोल प्ले किया था ओके okay. आपने देखी थी रजाक भाई क्योंकि ये क्रिकेट का शो है अगर आप भूल गए हो कल पीएसएल स्टार्ट हो रहा है आज वो चांद चांदरा हम आज खुशियां मना रहे हैं कि कल हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा क्रिकेटिंग इवेंट स्टार्ट हो रहा है तो पहले तो बेसिक सवाल फेवरेट स्क्वाड फेवरेट टीम कौन सी है पी एस एल में पीएसएल फेवरेट टीम मुल्तान है टीम मुल्तान मुल्तान है सुल्तान मुल्तानीम

ये अवेलेबल है चीज या मैंने आउट ऑफ सिलेबस बात कर ली है <laughs> चले अच्छा आपको रजाक भाई मरियम से ही पूछूंगा कौन सी फेवरेट टीम है छह टीम में आपने बता दिया बेस्ट टीम कौन सी है आपको सबसे ज्यादा वीकेस्ट टीम कौन सी लग रही है अगर उनके कॉम्णे, टीम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कोई भी वीकेस्ट नहीं है अच्छा और अवेयरनेस काफी आ गई एडिशन है एथ और सब जितने भी ऑनर्स हैं या कोचि हैं उन्होंने बड़ी छी टीमें बनाई

सिक, आ, सिकंदर हैं। और अच्छा शाहीन भी अब वापस फॉर्म में आ रहे हैं मैंने सुना है, आ, अपने उसमें, आ, सिकंदर भी है अभी आ, आपको पता है अवॉर्ड भी जीते हैं आईसीसी के तो अभी भी ये विदाउट थिंक इट्स अस्ट्रॉन्ग टीम हाँ कह सकते हैं बट जिनकी शादी हो चुकी है उनसे परफॉर्मेंस इफेक्ट मुश्किल हो जाएगा उनके लिए थोड़ा सा हाँ शादी के बाद थोड़ा

तो सरफराज कहते हैं अगर वो आते हैं तो हम उनको कप्तानी देंगे हाँ ये तो सरफाज का बड़ा दिल था उन्होंने कहा और बनती भी है शायद क्योंकि नेशनल टीम का अगर कैप्टन हो और वो अपने लोकल टूर्नामेंट में कैप्टन ना बन रहा हो तो सवाल भी बहुत बनते हैं भाई इनको क्यों नहीं बनाया कैप्टन मरियम ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर कौन है hmm, पर किस टाइम का मतलब सुबह के टाइम का टाइम के शाम के टाइम जो ज़्यादा अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता होता है है वो उस वक्त वक्त जिस काम कर रहा होता है उस वक्त अच्छा होता है वो वो वो? था, अच्छा होता। हाँ। नहीं कोई तो उससे 10 साल पहले कौन था बहुत छोटी थी अच्छा फौरन से आपने कहा ज्यादा साल बढ़ रहे वक्त आ चुका है वक्त आ चुका है कि मशहूर जमाना अपना गेम जो है वो हम खेलें इस गेम का नाम है पांच सौ की दौड़ मैं पहले ये चेक कर लूं कि भाई ब्रेक है या नहीं है ब्रेक ले ले रजाक भाई ये बताइए कि आप अगर आपको चांस मिले आज खेलने का और फ्रेंचाइज आपको उठा लें तो क्या ख्वाहिश रहेगी कौन सी फ्रेंचाइज आपको सेलेक्ट कर ले टा ग्लेडियर की तरफ से है अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्लेडियर तो आप हाँ। पहले भी एसोसिएट रहे उनके साथ हाँ जी मैंने चार पांच साल मैंने कोचिंग की है उनके साथ और बड़े अच्छे लोग हैं और बड़ा इंजॉय किया मैंने आजाद की, मैं। की दौड़ तक पे हम पहुंचेंगे मगर वक्त हुआ एक ब्रेक का ब्रेक लेंगे वापस आएंगे हारना मनाए कहीं नहीं जाएगा वेलकम बैक टू आजाद Thank you. Welcome back to our number nine, presented by HBL Coca-Cola, All Pers, and powered by Faisal Bank. भाई इससे पहले कि रजाक भाई हम 500 की दौड़ तक बढ़े आपको पता है दो दिन बाद क्या होने वाला है क्या होने वाला है? दो दिन बाद पी के दूसरे दिन के मैचेस हो रहे होंगे आज 12 फरवरी है आज भी एक खास दिन है बस आपको आपको पता है आज क्या दिन है जी जी क्या है वैलेंटाइन डे आज वैलेंटाइन डे <laughs> आज पेशावर में पहले नजर आ गया होगा <laughs> आपको शर्ट दे के मुझे पता अच्छा, शर्ट दे <laughs> आज। भाई आज जो है वो वर्ल्ड हक डे है <laughs> अच्छा अच्छा गले मिलने का दिन नहीं 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 मैं आपकी तरफ देख मैं नहीं। मैं अब अब <laughs> अंदर मरियम हां ऐसा है कि عوام परेशान हो रही होगी कि दो छोड़ के दो गए थे ये चार कैसे हो गए ये चमत्कार कैसे हो गया भाई आज ऐसा है कि जो 500 की दौड़ है हमने क्या किया कि आप लोगों के साथ हमने स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड कर दिया बेसिकली ये दोनों खेलेंगे आज पांच की दौड़ uh, मेरे साथ मौजूद है है, हैं आयशा चौधरी नेशनल ठीक है क्या आपको अवेलेबल है आटा सस्ता मिल रहा है बिजली आ रही क्या है किन्नू आ गए किन्नू आपको दूसरे बात है मौजूद है हसन मलिक जो मौजूद है मेरे साथ लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स

सवाल एक सर्वे बेस्ड सवाल है आपने बताना है एक परसेंटेज में आंसर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगा कितने लोग समझते हैं कि चांद गोल है तो आपने कहना है जी एटी परसेंट या वॉट फिर हम सर्वे देखेंगे कितने परसेंटेज लोगों ने क्या जवाब दिया है उसके हिसाब से जो आपके नंबर होंगे वो आपको मिल जाएंगे और जो आप में से जीतेगा उसको मिलेंगे पी के मैचेस के टिकट्स और एक नहीं दो दो टिकट्स तो आप अपने पसंद का इंसान ले जा सकते हैं ठीक है भाई सवाल पहला पाँच की दौड़ का रेडी है दो लोग बैठे ना आपके साथ बड़े बड़े अजीम अजीम जी आपके मेंटोर्स हैं तो रजाक भाई भी आपको मशवरे देंगे कि भाई ये परसेंटेज ऐसी होनी चाहिए लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कॉल आपकी हो तो आप कहेंगे हो सकता है कि लम्स का लड़का बोले भाई मैं क्यों मरियम की सुनूं मैं लम्स पढ़ता हूँ एटीट्यूड <laughs> आ जाता है ना तो स्टार्ट uh, करते हैं पांच की दौड़ पहला सवाल बहुत करीब है रजाक भाई ये सवाल मेरे और आपके बर्गर लड़कियां

क्या ना होना ना चाहिए, चाहिए आंसर तो कितने लोग लोग तो परसेंट नहीं नहीं। लड़के, नहीं नहीं। लड़के नहीं नहीं। या इंसान के बता है बता है हम ये पहनती नहीं खुद ही देखो खुद ही देखो तुम सुन के पहनते मैं सुन के पहनो हॉस्टल में रहते बनता है तुम्हारा फोन अच्छा सवाल की गहराइयों में जाना चाहता हूँ किस लेवल पे डिसाइड करते हो कि आज चेंज करने ओह माय गॉड बनता नहीं ये सवाल नहीं हाँ। आप प्लीज इधर आके बैठ जाए तो फिर आप क्या वहां जाके बैठेंगी हाँ मैं उधर ठीक हूँ ये तो सब कह रहे <laughs> आयशा परसेंटेज बताओ भाई कितने परसेंट में तुम्हें लॉक कर दिया जाए कितने फीसद 55 लो? 55 तुमने पाकिस्तान की मेल पॉपुलेशन उठाई हाँ। तुमने थोड़ा बहुत लगाया और तुमने 55 कह मर्द हसन, 55 मर्द हज़रत। हसन 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 को लॉक कीजिए। के पार्टनर से सवाल पूछूंगा भाई हसन, कितने लड़के लोग? मेरे 65 पर। 65 पर। 65 पर। 65 लोग मेरे ख्याल 65 65 65 फिर देखते हैं कहाँ है वो सब ग्राफिक्स ऊपर नीचे जो होती है घड़ी चल रही फटने तो नहीं वाली लॉग हो चुका है लॉग हो चुका है कितने लड़के मुझे जरा लड़के बाय शो ऑफ हैंड्स नहीं बल्कि आवाज से लगा के बताएं कितने लड़के आप में से सूंघ के मोजे पहनते ये सिर्फ सूंघ नहीं रहे हैं ये मोजे ये चूम भी रहे हैं <laughs> <पेंगे। laughs> अब मैं भाई अवाम क्या कह रही है आवाम क्यों चुप बैठी थी आवाम अवाम, अवाम लगता है मुझे सुन के बेहोश हो चुकी <laughs> मुझे दिखाओ ना भाई <laughs> जवाब भाई जवाब है दस नहीं बीस भी नहीं पत्तीस परसेंट <laughs> पत्तीस परसेंट लोग मुझे कहा <laughs> <उने ने मुझे laughs> हाँ फोर्टी कह रहे को बहुत करीब तुम सुन नहीं रही हो सीनियर्स की बात अभी से शरारती सेवा नहीं, नहीं होने मेजोरिटी अवाम की बात हो रही है बर्गरों की बात दो नहीं हो रही इस्लामा मैं देख सके मेरी बात रजाक भाई और मैं अवाम से जुड़े हुए लोग हैं ठीक है हमें पता है आवाम के पास पानी नहीं आ रहा नहाने का हम मौजों में पानी जाया करते हैं मोजा के पहना चाहिए मैं आवाम से गुजारिश करूंगा पानी बहुत कम है पाकिस्तान में बिना मोजे के पहने आप लोग अगला सवाल मैं बता अड़तीस दिन पी एस एल कम्प्लीट होंगे ना आप यहाँ रही होगी <laughs> <अग्ला वाँ करूंगा। laughs> और कितने अगला सवाल है कितने फीसद गंजे सिर्फ अपना गंजापन छुपाने के लिए टोपी पहनते गंजा नहीं है जरा निकाल तो आपसे पूछ, आप पूछूंगा आप जरा जल्दी से बताएंगे मरियम से पूछा हाँ। टोपी या किसी और चीज से रखने कर की कोशिश करते हैं टोपी बेसिकली टोपी रजाक भाई क्या समझते जो जिनको शौक होता ना इस्लाम में जाने का वो बड़े खुश होते हाँ ये होता हो या ना टोपी रख लेते हैं पता नहीं चलता मैंने देखा क्रिकेटर्स गंजे बहुत कम होते हैं ऑस्ट्रेलिया गंजा गंजा तो 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 में होते नहीं होते ही चलो भाई हसन जल्दी बताओ परसेंटेज बेटा बेटा तुम लोग तो पर्सनल हो रहे हो हालात खराब है मरियम बताओ हसन फोर्टी सेकंड रह गए ब्रेक पे जाने जल्दी बताओ <laughs> 4, बाद में बात कर लेना 40, कहां जाना है दो दिन बाद क्या फोर्टी सेकेंड फोर्टी से लॉक करें मरियम आयशा मरियमेंट पे आयशा को लॉक कीजिएगा जवाब हम लेंगे ब्रेक के बाद खाओतीन औजरा ब्रेक लीजिए और देखिए कि आप टोपी पहने बैठा है वेलकम बैक वेलकम बैक टू हार नाम मनाया मेरा मौजूद है, है मरियम नफीस हसन अब्दुल रजाक और आयशा आयशा कैसी है ठीक है भाई

इन में चलती सीएस वाले नहीं चलते हम बाल लगवाते हैं, ना फिर पढ़ते हैं तो हमारे गिरते हैं तो मैंने आपको 30 बताई आप क्या बताना चाहते हो क्या अच्छा है तुम्हारे दिल में मेरे दिल में 70 अस्सी फीसद मेरे घर जितने बंदे गंजे हैं सब टोपी पहनते हैं जो गंजे लड़के हैं वो टोपी पहनते पता कैसे चला फिर तुमने की वो गंजे वो फिर घर आते हैं ना टोपी पहने में खानदान <laughs> बदतमीज बच्चों हाँ। मैं तो खानदान के लोगों हाँ। की बात कर रही हूँ तो आवाम का फैसला आ चुका है आवाम कहती है कि 43 परसेंट देखा 43 परसेंट गंजे अपना गंजापन छुपाने के लिए रजाक भाई तो भी पहन मैं सीएस पढ़ने लगी हूँ बहुत फोर्टी सिक्स परसेंट बहुत बहुत करीब बेटा मैं नहीं हवा में हूँ ना

हो जाते हैं भाई ने पहले अपनी तलाशी ली ना यूं करके चल जेबों पे हाथ पड़ा कह लगे हाँ हो जाते रजाक भाई क्या खास वजह रहती होगी कि चालीस साल के बाद ही इंसान को ख्याल आता है चचोरा हो जाए दरअसल चालीस साल से पहले ना उनको जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है वाह चालीस साल बाद मिल जाता उस वक्त कुछ कर नहीं सकते शादी हो गई है बिजी है ठीक है आय आपने अपने मेंटोर का जवाब सुना मैंने अपने तो पहले मेंटोर मेंटोर ही होता है मुझे परसेंटेज बताते हैं आप लोग तो बहस करने को मैं उनसे पूछ रहा से अभी हमें भी मिनट चाहिए सर सात सात टीवी के पास मिनट नहीं है एक मिनट बहुत कीमती होता है टीवी बहुत ज्यादा अस्सी फीसद अस्सी फीसदी हो गए अस्सी परसेंट मर्दी मर्द चालीस के बाद समझू क्या आप लोग तकरीबन यही समझते हैं कि मर्द चालीस के बाद छिचौरा ही हो जाए ठीक है छिचौरे को लॉक आदमी खुद कह रहे पैंसठ परसेंट पैसेंट को लॉक कर दो यार इतने तुम तुम भाई कितनी चालीस साल के लोगों में घूम रहे हो तुम <laughs> आपके जैसे तुम मेरे साथ घूम क्यों रहे हो हो और तुम ये 40 साल के में क्यों घूम रहे रहे मुझे बताओ आपने एक तो लाल शर्ट डायरेक्ट मार हैं पे आप होता आए ना थोड़ा सा अस्सी परसेंट देखते हैं कितने परसेंट अवामे भी गलत है अब अब सारी हम नहीं मानते इस बात को। जी 38 नहीं नहीं।, नहीं, नहीं। एक तो आदमी ऊपर से चालीस साल का, क्या <laughs> का क्या <laughs> वो इमरान खान ने कहा था ना क्या? एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट होता है <laughs> हर बंदे में नहीं नहीं है, गलत है तो आपका जवाब है थर्टी एट परसेंट ये नहीं मानते जीत गया धानी हो रही है अगले सवाल में सबको 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 दूंगा पब्लिक हिंट है पब्लिक हिंट्स <laughs> आप कहेंगे ताबिर तुमने मुझे हिंट दी ठीक कितने फीसदी कितने टीचर्स बच्चों का लंच खा जाते हैं

आंसर इसका जो आंसर है वो एक ऐसा नंबर है जो तो आजकल डिस्कशन डिस्कशन में मैंने हिंट दे दी सेवन परसेंट सेवन परसेंट सेवन सेवन परसेंट आसन को लॉक कीजिएगा और आयशा अच्छा तुम एक काम करो चाय मंगवा दो तुम दोनों के लिए दस परसेंट कॉफी चलेगी दस परसेंट पे लॉक कीजिएगा आयशा को और सात परसेंट पे लॉक कीजिएगा हसन को क्या वजह रहेगी तुमने इतनी कम परसेंटेज चुनी इस काम की तीन लंची नहीं मिलता आज कल से लेके जा रहे आ, ऐसे मिलते हैं ना आवाम तो। की आवाम का जवाब है दे दे आपसे नहीं पूछ रहा पीछे पूछ रहा <laughs> चौदह परसेंट आपने ये नंबर आज कल हर लड़के के दिमाग पर चौदह तारीख सवार अगला अगला सवाल सवाल को नहीं देख सकता मैं मजाक कर रहा हूँ कितने फीसद पाकिस्तानी बीमार हो तो बहुत ज्यादा ये ज्यादा है ये बहुत ज्यादा है मैं होस्टू भाई कितने फीसद पाकिस्तानी बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाने के बजाय घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं

साठ परसेंट आयशा कहती है लोग घरेलू टोट के इस्तेमाल करते हैं कला खराब हो गया है तो गर्म पानी से गरारे धनिया देखना चाहिए साठ दे परसेंट पे आयशा और हसन ने क्या बोला था 75. 75. अवाम का फैसला है पचास परसेंट ये तो गलत है आप नहीं कहते आप नहीं कहते हैं अरे मेरे पास पैसे में डॉक्टर के पास चला जाता है आपकी आप की बात नहीं है आधी रात रात एक फजूल बहस में नहीं ब्रेक लें ब्रेक बाद वापस आइए आज ना बनाए कहीं नहीं जाएगा ठीक है वरीज आ वेलकम बैक टू आवर नवर आए बहुत बोलने थे यूनिवर्सिटी के बच्चे मैंने उनको वापस भिजवा दिया क्राउड के अंदर पांच सौ की दौड़ का हुआ विनर के रिजल्ट, रिजल्ट अनाउंस करने से पहले मैं बताता चलू कि पांच सौ की दौड़ की आज तक की जो चैंपियन है जो अजीम प्लेयर हैं वो आयशा उमर थी आज जो टीम के रिजल्ट रहे वो ये रहे कि मरियम नफीस की टीम ने हासिल किए चार सौ पांच नंबर जो लम्स के हसन आए हुए थे और अब्दुलरजाक भाई की टीम ने हासिल किए चार सौ आठ नंबर जो आयशा थी बी एनयू से आई हुई थी तो

अच्छा भाई अब ऐसा है क्योंकि ये पी एस एल एच बी एल पी एस एल का जमाना है तो अब क्रिकेट पे थोड़ी सी बात हो जाए कुछ प्रोडिक्शंस ले लें हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रजाक और मरियम कुछ सवाल है जो हम आ, 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 पूछेंगे तुक्का एलेवन के नाम से ये सेगमेंट है आपने बताना है तुक्के तो ही लगाने होंगे क्योंकि अब प्रोडिक्शंस हैं बेसिकली रजाक भाई कल दो एक मैच है मुल्तान सुल्तान वर्सेज लाहौल कलंदर आपको क्या लगता है कौन जीतेगा Uh, मेरे पॉइंट लाहौर के चांसे हाँ, तो अड़्वा, मिलेगा। मिलेगा, के चांसेस बहुत ज्यादा शा, क्योंकि चैंपियन भी हैं तो एडवांटेज एडवांटेज मिलेगा रा, मिलेगा डिस्पाइट द शायद राशिद खान ना खेले डेफिनेटली हाँ, देखे फर्क तो पड़ेगा पर कि लाहौर कलंदर को का, काफी एज है हाँ, क्या सोच रखा है और मरियम भी कहा लॉर कलंदर और मुझे भी लगता है कि लॉर कलंदर ही कल मैच जीतेगी जबकि दोनों टीम्स कल स्ट्रॉग है एक अच्छा मैच देखने को जरूर मिलेगा अच्छा मैन ऑफ द मैच कौन होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जिस की फखर की फार्म चल रही है फखर चेकर? जमान हाँ हाँ जी वो फखर जमान आप कहते हैं है, मैन ऑफ द मैच होंगे और मरियम आप भी फखर जमान ही कहेंगी या कोई नया नाम रखा है शाहिन शाह आफरीदी को आप मैन ऑफ द मैच समझती हैं मैं डेविड वीजे के साथ जाना चाहूंगा डेविड वीजे को मैन ऑफ द मैच समझता हूँ रजी भाई ये बताइए सबसे ज्यादा कौन बनाएगा कल बताइएगा हाँ। मेरे पॉट से फखर ही है फखर ही बताएंगे और विकेट कौन सबसे ज्यादा लेगा अहमद दानियाल अहमद दानियाल क्योंकि वो डेथ बॉलिंग करते हैं तो उसमें काफी एडवांटेज है अहमद दानियाल जो है विकेट्स लेंगे भाई सबसे ज्यादा रन्स कौन बनाएगा कल

अच्छा इसमें ऐसा है कि हर सवाल में मैंने आपसे चार सवाल पूछेड है है। okay. और अगर गलत होगी तो माइनस भी होंगे और एंड में जब हम पी एस एल के एंडे एच बी एल पी एस एल के तो हम आपको एक ट्रॉफी भी देंगे विनर को जो बिल्कुल ही तकरीबन एच बी एल पी एस एल के टक्कर की ट्रॉफी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ बता रहा हूँ आपको झूठ नहीं बोलता अच्छा जैसे रजाक भाई ये बताइए कि पी एस एल एक बोनस सवाल है अगर आप ये दे दें जवाब इसका आज ही हम ये बंद करके रख लें बीस सेकेंड के अंदर कि आपको क्या लगता है कि इस बार का एच बी एल पी एस एल कौन जीतेगा मुझे लग रहा है इस बार जो चांसेस है कराची के भी चांस बन सकते हैं कराची के भी चांस वाह ठीक है लड़को ये यह यहाँ के बैठे हुए लोग कर रहे हैं <laughs> मरी आप क्या समझते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी मे भी मे भी कह के तो कोई कोई भी बात कह सकता हूं मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा दोनों तो में से कोई <laughs> दोनों में से कोई भी जीता है आई एम हैप्पी दोनों में से कौन लाहौर या इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑडियंस बताइए कि इस बार पीएसएल कौन जीतेगा लाहौर अच्छा भाई एक काम करते हैं मैं छह नाम लूंगा उस पर शोर से अंदाजा होगा किसके कम चांसेस हैं और किसके ज्यादा चांसेस हैं लाहौल कराची किंग्स मैं तो करूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड तीन आवाजें आई तीन जितने इस्लामाबाद में लोग उतनी तो आवाज पेशावर जाल में मुल्तान सुल्तान आए चार लड़के मतलब कुलता लेडी कोयटा के लेडी एजेंट लोहर के अंदर तो बस सुन लिया मैंने जो सुनना था प्रेम का वक्त आज यही खत्म होता है हर मनाए कल दोबारा वापस आएगा और जब तक पी एस एल होगा आता रहेगा मेरे साथ मौजूद रहेंगे अब्दुल रजाक और मरियम नफीज अपना ख्याल रखिएगा सोने का वक्त हुआ है सोइए गुड नाइट अलाफे